हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अल्फ़ाबेट का जो तीसरा हेडिंग है पेयर ऑफ लेटर का, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेफ्ट राइट और कोडिंग डिकोडिंग को बता दिए हैं, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि पेयर ऑफ लेटर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है कि शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा अल्फ़ाबेट सेक्शन जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका ये हेडिंग नंबर 3 है, पेयर ऑफ लेटर है। और इसमें हमारा क्वेश्चन यही है कि शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है या इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। तो बस हमको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ए और डी के बीच में कितने अक्षर युग्म हैं, और जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, जैसे ए से लेकर डी तक अगर पूछा जाए तो उसमें बीच में कितने अक्षर होंगे, बी और सी होंगे यानी दो अक्षर होंगे, तो अक्षर युग्म कितने होंगे, दो होंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी ऐसा होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसमें कितने अक्षर युग्म हैं। तो हम जैसे यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ लास्ट तक जाएंगे। उसके बाद हम राइट से स्टार्ट करना चालू करेंगे, लेफ्ट तक पूरा आएंगे। तो जैसे पी है हमारा, अब पी और ए के बीच में कितने शब्द हैं। पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ये हमारा एक नंबर पे आता है, तो 15 अक्षर होंगे। तो इसमें बीच में एक भी शब्द नहीं है, तो यानी हमारा ये युग्म नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं आर पे। तो हमारा आर पे क्या है, पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद आर, यानी इसके बीच में कितने अक्षर हैं, एक, और एक अक्षर के बाद क्या जाता है, आर आ जाता है, यानी ये हमारा एक युग्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक युग्म हो गया। अब हम पी से ए में देखेंगे तो इसमें भी नहीं बनेगा, डी में देखेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये 16 नंबर पे आता है पी, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, तो बीच में 12 नंबर का गैप हो जाएगा, जबकि इसमें कितने अक्षर हैं, 3 ही अक्षर हैं, 1, 2, 3। अब हम देखेंगे पी और आई के बीच में, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 16 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है, और 16 और 9 में फ़र्क कितने का है, 7 का है, और इसके बीच में कितने शब्द हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। उसके बाद पी और यस के बीच में देखेंगे, इसमें भी उन्हें बनाएंगे क्योंकि यस 19 नंबर पे आता है और पी 16 नंबर पे आता है, और तीनों के यस और पी के बीच में कितने अक्षरों का गैप है, सिर्फ 3 अक्षरों का गैप है, और इसमें अक्षर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं बनेगा। पी की तरह देखेंगे, इसमें भी नहीं बनेगा। अब हमें दूसरा स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। अब ए आर भी नहीं, रिलेशन कोई निकलेगा क्योंकि आर 18 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, ये भी नहीं बनेगा। ये हमारा ए ए है, इसमें ए भी नहीं बनेगा क्योंकि बीच में एक शब्द आ गया। और डी पे जब देखेंगे तो बी सी यानी दो शब्द आएगा, दो शब्द के बाद डी आता है, इसमें भी क्या, बीच में दो अक्षर थे, यानी एक युग्म हमारा ए बन गया। अब उसके बाद देखेंगे और कोई युग्म बनेगा इसमें, अब आर का तो बनेगा नहीं क्योंकि 18 और 9 इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है, और जितने अक्षर हैं कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यानी ए पे देखेंगे। अब तो ए पे देखेंगे तो ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी ई, यानी ई पे भी बनेगा, यानी ए और ई के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए, बी सी डी और ई, यानी 3 अक्षर, और इसमें भी कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, यानी ये हमारा क्या हो गया, युग्म हो गया। अब हम जेड की तरफ से गिन लिए हैं, मतलब इससे अब इससे यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 9 है, बीच में एक अक्षर है और इसमें 4 का गैप है, ऐसे मतलब टोटल इसमें कितने युग्म बनेंगे, 3, और इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा, यही हमारा पूछा है कि कितने अक्षर युग्म होंगे, तो हमारे इसमें टोटल 3 युग्म होगा, हमारा आंसर क्या है, 3 है। तो दोस्तों, पेयर ऑफ लेटर के क्वेश्चन को लगाना बहुत ही आसान है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि युग्म को खोजना है, उसके बाद वही युग्म खोजना है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी और डी के बीच में अगर युग्म हम खोजेंगे तो उतने ही अक्षर बीच में होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी ए और डी के बीच में अगर हम युग्म खोजेंगे तो उसके बीच में अगर 2 ही अक्षर होगा, यानी चाहे पी के कुछ भी हो सकता है, बी सी कोई ये बात नहीं है कि बी सी ही होना चाहिए, वहाँ कोई भी अक्षर हो सकता है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा युग्म हो जाएगा। तो हम आपको पेयर ऑफ लेटर में एक उदाहरण के माध्यम से बता दिए हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाते हैं। अब आइए हम लोगों को एक दूसरा उदाहरण देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले।
तो दोस्तों इसमें दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि कैटास्ट्रोफ, यानी कैटास्ट्रोफ में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होंगे कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यानी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जैसे आपको पहला उदाहरण बताए थे, सेम वैसे भी हमारा उदाहरण है। तो यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि पहले लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, उसके बाद राइट से लेफ्ट तक आएंगे। कुल मिलाकर हमको वही युग्म देखना है, तो सी और ई ए के बीच में होगा नहीं, क्योंकि सी और ए के बीच में कोई अक्षर है नहीं है, और ए और सी के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर होते हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारा ये युग्म नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ए से देख लेते हैं, टी के बीच में कोई संपर्क नहीं है, टी से ए के बीच में एस टी, यानी एक अक्षर युग्म क्या है ये हमारा बन रहा है, क्योंकि एस के बाद क्या आ जाता है हमारा टी आ जाता है, एस टी, और बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या होता है कोई अक्षर नहीं होता है, यानी हमारा एक अक्षर युग्म हमारा बन गया है। अब हम देखेंगे टी के और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं, टी एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि टी एस के बीच में तीन अक्षरों का गैप होता है, और इसमें बीच में कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं, एक ही अक्षर है। उसके बाद टी और आर के बीच में देखेंगे तो आर एस टी यू व्यू डब्ल्यू एक्स ये नहीं होगा, और आर और टी के बीच में देखते हैं, यानी आर एस टी यू व्यू नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि किस में होगा, तो हम देखते हैं कि टी के बाद टी है हमारा यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी हमारा ये भी नहीं होगा, कुल मिलाकर ये नहीं होगा, तो एक हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे तो क्या है, टी से देखेंगे टी और आर के बीच में बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 18 20 दो नंबर का गैप है, तो इसमें बीच में एक भी अक्षर नहीं है। अब आर और ओ के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, पी यम एन ओ पी ओ पी एक हमारा ये भी बन रहा है ओ पी, यानी ओ के बाद क्या आ जाता है पी आ जाता है, और बीच में भी एक अब कोई अक्षर नहीं है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में भी नहीं होते हैं और इसमें भी नहीं है, तो यानी हमारा क्या होगा एक युग्म बन गया हमारा। उसके बाद अब हम देखेंगे पी, अब ओ से देखेंगे, यानी अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर, यानी हमारा एक ए भी बन रहा है, एक ए भी बन रहा है, यानी पी और आर के बीच में, यानी पी इधर से जब राइट से चलेंगे तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आता है, यानी एक अक्षर है, एक अक्षर क्या वर्णमाला में भी क्या होता है एक अक्षर होता है, और यहाँ भी क्या मिल रहा है सिर्फ एक अक्षर है, सिर्फ वो है, तो यानी एक हमारा ए क्या है युग्म है। अब हम राइट से चलेंगे तो देखेंगे पी के बाद क्या आ जाता है क्यू आर एस टी, यानी नहीं बनेगा हमारा। ओ से देखेंगे ओ पी क्यू आर एस टी, यानी हमारा ये बन गया, यानी हमारा ओ और टी के बीच में कुल कितने, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, टी हमारा क्या आता है 3 नंबर पे आता है, टी हमारा 18 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, यानी चार अक्षर होना चाहिए 15 4 19 1 20 ओ पी क्यू आर एस टी 1 2 3 4 5 कितने शब्द हैं, 5 शब्द हैं पी और टी के बीच में, सारी पी और टी के ओ को नहीं देखेंगे, क्योंकि ओ हमारा अक्षर युग्म नहीं बना रहा, क्योंकि चार ही अक्षर हैं। पी के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस टी, इसमें भी नहीं बनेगा हमारा, यानी हमारा भी तो तीन युग्म बना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले यहाँ से देख रहे हैं टी से, टी यानी हमारा ये बनेगा आर एस टी, एस टी तो हमारा बन गया है, बनेगा क्या ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू आर एस टी, यानी हमारा ही बन गया। और ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है, और टी यानी ओ पी क्यू आर एस टी, यानी टी आ गया हमारा। अब चार अक्षर हैं, और टी और ओ के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए, चार अक्षर होने चाहिए, तो ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस, यानी चार अक्षर हैं वर्णमाला में, कितने अक्षर हैं चार अक्षर हैं, और इसमें भी कितने अक्षर हैं चार अक्षर हैं, बीच में कितने अक्षर हैं चार हैं, क्योंकि 1 2 3 4 चार अक्षर है कि नहीं है, तो भी हमारा क्या बन गया युग्म बन गया। तो टोटल इसमें चार ही युग्म होगा, क्योंकि एक ये बन गया, एक हमारा ये बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये बन गया, यानी कुल मिलाकर कितने युग्म होंगे चार। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, युग्म पूछा है तो इसमें कुल चार युग्म होगा, आंसर क्या हमारा है चार। अब यहाँ पर हम एक नोट आप लोगों को बताते हैं,
नोट हमारा यही है कि जड़ गिनने के बाद बात कोई अक्षर गिना नहीं जाता है, कोई अक्षर गिना नहीं जाता है। तो दोस्तों आप इस दूसरे उदाहरण का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नोट लिखवाए हैं आप लोगों को, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है कि जड़ गिनने के बाद कोई अक्षर गिना नहीं जाता है। ये हमारा क्या है, नोट है इस पेयर्स ऑफ लेटर में। पेयर्स ऑफ लेटर का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है कि अक्षरों का युग्म, यानी हमें अक्षरों के युग्म को ही देखना है। तो यहाँ पर हम नोट लिख दिए हैं कि जड़ गिनने के बाद कोई अक्षर गिना नहीं जाता है। तो आप लोगों को पेयर्स ऑफ लेटर में दो उदाहरण बता चुके हैं हम, और सभी क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे इसमें। तो हम आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से और बताते हैं कि पेयर्स ऑफ लेटर आप लोगों को यहीं इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं पेयर्स ऑफ लेटर के क्वेश्चन। तो आइए हम तीसरे उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा तीसरा उदाहरण है वो पीपुल है, कि इसमें कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले उदाहरण में बताया था, वैसे ही इसमें भी है कि इसमें कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में कुल उतने ही अक्षर होते हैं जितने की क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितने युग्म हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, उसके बाद राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं पी और ई के बीच में, पी हमारा कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 16 नंबर पे आता है, और ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो इसमें हमारा क्या होगा, कोई युग्म नहीं बनेगा, क्योंकि ये 16 ये 5, बीच में डिफरेंस 11 का, और बीच में अक्षर कोई भी नहीं, यानी हमारा युग्म नहीं है। उसके बाद पी और ओ को देखेंगे तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है, यानी बीच में कोई गैप नहीं है, और इसमें कितने अक्षर होंगे, एक अक्षर हो जा रहा है। तो इसलिए हमारा ये भी युग्म नहीं है। युग्म वही है कि जितने इसमें अक्षर हों उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में हों, अगर दोनों को सेटिस्फाइड करता है तो हमारा युग्म कहलाएगा। तो पी और ई के बीच में नहीं बनेगा, पी पी के बीच में देखते हैं नहीं बनेगा, क्योंकि 16 नंबर पे बीच में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, बीच में दो अक्षर ऑलरेडी पहले से हैं, इसलिए हमारा ये भी युग्म नहीं होगा। उसके बाद पी एल के बीच में देखेंगे तो पी क्यू आर एस टी आएगा ही नहीं बन पाएगा, पी ई के आएगा नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोगों को। अब हम ई से चलेंगे, ई और ओ के बीच में भी नहीं रिलेशन बनेगा, क्योंकि 5 नंबर पे 15 नंबर पे, ओ पी के बीच में बनेगा, क्योंकि ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि ओ और पी के बीच में कोई गैप नहीं होता है, क्योंकि ओ हमारा 15 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे, यानी इसमें ना तो वर्णमाला में कोई अक्षर होता है, ना ही इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओ के बाद क्या डायरेक्ट पी है, तो इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब हम पी और एल के बीच में देखेंगे तो नहीं है, एल ई के बीच में नहीं है। अब हम राइट से लेफ्ट के बीच में चलेंगे, यानी इधर से इधर चलेंगे, तो ई और एल के बीच में भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 5 नंबर पे या 12 नंबर पे। उसके बाद पी ओ के बीच में नहीं बन पाएगा ई के बीच में। अब यल से अगर देखें हम, यल के बाद क्या आता, यम यन ओ पी, यानी हमारा आ जा रहा है ये 12 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, और 12 और 16 के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, सिर्फ 3 अक्षर होते हैं, और अगर यहाँ हमारा 3 अक्षर मिल जाता है तो हमारा इक्वेशन सही है। हम गिन लेते हैं इसके यल के और पी के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 3 ही अक्षर हैं, और हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितना था, 3 था। तो यानी इसमें हमारा जो युग्म होगा, यानी जो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने अक्षर युग्म होंगे, तो हमारा इसका जो आंसर है, हमारा जो इसका आंसर है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही अक्षर युग्म है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और पेयर्स ऑफ लेटर के क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है। और हम आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अल्फ़ाबेट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, जो अल्फ़ाबेट का चौथा हेडिंग है। तो हम अल्फ़ाबेट में आप लोगों को 3 हेडिंग पढ़ा चुके हैं, और चौथा हेडिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।